दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों की है, जो 100% सच भी है। दोस्तों दिल्ली की लड़कियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर हर एक लड़की हर तरह से खूबसूरत मिलेगी। यहाँ की लड़कियाँ गली गली में आपको खूबसूरत देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक दिन में इतनी खूबसूरत लड़कियाँ दिख जाएंगी कि आप उनके चेहरे भी याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हर पल एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां आपको दिखाई देंगी, जिनमें आप कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। किंतु यहां पर लड़कियां जल्दी ही दिल भी दे बैठती हैं, क्योंकि दिल्ली तो दिल वालों की है। चलो कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियां देते हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो आसानी से प्राप्त होती रहें। दोस्तों दिल्ली की लड़कियों को जज करने, परखने और समझने में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। नंबर 1, दिल्ली में कोई सुंदर लड़की आपको जल्दी ही प्रपोज कर दे तो चौंकिए मत, या एक सुंदर लड़की आपको रास्ते में कोई प्रोडक्ट बेचती मिल जाए तो भी मत चौंकिए, क्योंकि दिल्ली में ये सब आम बात है। कोई सुंदर लड़की आपको अपना फ्रेंड बनाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह भी दिल्ली की लड़कियों के लिए एक आम बात ही है। 2, फैशन के मामले में कई देशों से बहुत आगे हैं। इनके कपड़ों को देखकर कभी भी इनकी इमेज, इनकी सोच विचार आदि पर ना जाएं, यानी कि इन सब चीज़ों को देखकर इनके बारे में कोई अपनी राय ना बना लें। 3, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मेकअप की दुकान बनकर चलने वाली लड़कियां आपको पग पग पर दिख जाएंगी। इनके नखरे भी आसमान छूते मिलेंगे। घमंड तो इतना मिलेगा, ये किसी हैंडसम लड़के को अगर देख भी लें तो ये दिखावा करेंगी जैसे इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दोस्तों दिल्ली पहुंचकर एक आम लड़की भी वहां की आओ हवा में रंग जाती है, और उसमें भी इतना एटीट्यूड आ जाता है जो देखते ही बनता है। 4, दोस्तों हमारे देश में सबसे ज़्यादा शराब और सिगरेट का प्रयोग भी दिल्ली की ही लड़कियां करती हैं। ये लड़कों की तरह इकट्ठी होकर या अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैग का जाम लगाती दिख जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये वहाँ की लड़कियों के लिए एक सामान्य बात है। 6, यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी खुले विचारों की होती हैं। इन्हें नारी या लड़की समझकर इनसे पंगा ना ले लेना, क्योंकि ये गालियाँ भी देने में अव्वल हैं। जितनी आपने गालियाँ हिंदी में नहीं सुनी होंगी, उससे ज़्यादा आपको अंग्रेजी में सुनने को मिल जाएंगी। इन्हें कम तर मत आंकना, इनमें काफ़ी तो लड़कियां ऐसी हैं जो मार्शल आर्ट और जूडो कराटे को अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए इनसे बच के ही रहना, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। यहां पर किसी लड़की की स्कूटी आपको ठोकर मारकर रुकती है तो चौंकिए मत, ये एक सामान्य बात है। 6, ज़्यादातर दिल्ली की लड़कियों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। इनसे पंगा ले लिया तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या सुना रही हैं, आप केवल उनका मुंह ताकते रह जाएंगे। जब तक आप सफाई देने के बारे में सोचेंगे तब तक तो वह अपने कानों में ब्लूटूथ या हेडफोन लगाकर गानों का आनंद उठाने लगेंगी या जा चुकी होंगी। 7, ये दिखावा करने में भी अव्वल हैं, इसीलिए हमारे देश के लड़के इन्हें गर्लफ्रेंड तो बनाना चाहते हैं किंतु इन्हें जीवन साथी बनाने से कतराते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़के दिल्ली की लड़कियों पर किसी भी तरह से भरोसा कम ही कर पाते हैं। जब बात आ जाए जीवन साथी की तो वे विश्वास नहीं करते। अगर वहाँ के लड़कों से ये पूछ दिया जाए कि आप गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहाँ की लड़की पसंद करेंगे तो निश्चित ही लड़के कहेंगे दिल्ली की। अगर शादी के बारे में पूछेंगे तो दिल्ली की लड़की से शादी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ 13-14 साल की होते ही कई रूप से परिपक्व हो जाती हैं, और कई एक काम जो नहीं करने चाहिए वे परपक्व लोगों की तरह कर जाती हैं।
दोस्तों यहाँ की कुछ लड़कियाँ तो इतनी माहिर होती हैं कि आपकी आँख से काजल भी चुरा लें तो आप नहीं जान पाएंगे, इसलिए इनसे दूर रहना या सावधान रहना ही आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि कुछ ऐसी स्वार्थी लड़कियाँ अक्सर लड़कों को मुर्गा बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं, जो आपको आसानी से किसी पार्क और पब्लिक प्लेस पर मिल जाएंगी। आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इतनी सुंदर लड़की हमारी गर्लफ्रेंड बनेगी भी या नहीं, वह हमारे साथ क्या कर सकती है क्या नहीं, ये तो आपको तब पता चलेगा जब वह आपके लिए हर हद को पार कर जाएगी। बस इसी कारण से दिल्ली की लड़कियों पर लड़के जल्दी भरोसा नहीं करते। दिल्ली की लड़कियां फैशन और मेकअप में भी आगे नहीं बल्कि पढ़ाई और शिक्षा में भी मेरिट लिस्ट में अव्वल रहती हैं। यहाँ ना जाने कितनी लड़कियां आपको टॉपर मिल जाएंगी। दिल्ली की लड़की को गर्लफ्रेंड तभी बनाना जब आपके पास धन हो या 50,000 से ज़्यादा सैलरी प्रतिमाह कमाते हों। अपनी शौक पूरी करने के लिए ये किसी भी मुर्गे को फंसा सकती हैं, ये उनके लिए आम बात है। खैर, बदले में आपको वह सब भी आसानी से मिल जाएगा जिसकी आप चाह रखते हैं। शादी से पहले प्यार तो यहाँ एक आम बात है, बिना बॉयफ्रेंड के यहाँ लड़कियाँ अपने आप का जीवन सूना पाती हैं। दोस्तों, जब भी मैं ऐसी कोई सटीक जानकारी देता हूँ तो एकाध व्यूअर ऐसे भी हैं जो बीच में ही टपक पड़ते हैं कि ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये बात सच है कि दिल्ली की सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, किंतु ऐसी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। आप लोग हर बात अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, कभी आपने किसी और के बारे में भी सोचने की कोशिश की? जरा सभी का आंकड़ा लगा के देखो, तब आपको महसूस होगा क्या सही है क्या गलत है।